बात करेंगे सुपौल के युवा नेता आनंद कुमार भारती उर्फ विजय पासवान ने किया प्रेस वार्ता। आज सुपौल स्थित अपने आवास पर युवा नेता विजय कुमार पासवान ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने बताया, चिराग पासवान बिहार के हर कोने कोने में जाते हैं, किसी गरीब दलित किसी के साथ अगर कोई अन्याय होता है तो उनसे जाकर मिलते हैं। वहीं उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का खूब तारीफ किया और उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी गरीबों की पार्टी है जो हमेशा लोगों के सहयोग के लिए खड़ा रहती है, जिसकी अच्छाई को देखते हुए उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी में आने का फैसला किया। उन्होंने आगे कुछ क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए हम आपको सुनाते हैं। ईद मोहम्मद की खास रिपोर्ट, जगह न्यूज 24 सुपौल। 20 वर्षों से जिला अध्यक्ष रहे हैं और पशुपति पारस जी दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और चिराग जी आज जो पार्टी की टूट हुई है उसमें बेचारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बिहार में जहाँ भी दलित के साथ कोई घटना होता है, हम लोग घर में बैठे रहते हैं, खबर करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, कहीं किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा राष्ट्र मतलब दलित सेना का कोई मतलब ही नहीं है। और चिराग जी जो है सो जबकि रामविलास जी का ही बना हुआ दलित सेना रहा है, उसी रास्ते पे हम चल रहे थे और चिराग जी हर कोना हर गली जहाँ से भी फोन जाए हम लोग खबर करवाते थे चिराग जी को, जबकि उनके साथ हम नहीं जुड़े हुए थे तब वो पहुँचते थे। अभी मधेपुरा में दलित के साथ घटना हुआ, एक चौकीदार का बेटा को मार दिया, चौकीदार को मार दिया गया, वहाँ पे चिराग जी डायरेक्ट दिल्ली से पटना पहुँचे और तुरंत वहाँ से फ्लाइट पकड़ अथी फ्लाइट से आकर के जो है सो यहाँ पे पहुँचने का काम किया मधेपुरा, कहाँ बोछा जाने का काम, जहाँ भी पूरे बिहार में गली गली जाने का काम करता है चिराग जी। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोग रहेंगे कि जहाँ पे घर में रह करके संगठन चलाया जाता है, जिसका कि कोई जानाधार नहीं है, कोई आधार नहीं है और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने से नहीं होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। चिराग जी ने काम कर रहा है, उनके साथ जनता है, सारा दलित है, महादलित है, सारा जनता उनके साथ है, पूरा बिहार का जनता उनके साथ है, एक आवाज पे वो पहुंचते हैं। और आप लोग बराबर देख रहे हैं, 2 वर्षों से लगातार चिराग जी हर जिला का हर कस्बा का दौरा कर रहे हैं। इसीलिए हमने दलित सेना को छोड़ के राष्ट्रीय पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में तो पहले थे भी नहीं, और रामविलास जी के जो है पार्टी अभी जो मैं मूल रूप से पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो रामविलास जी के बना हुआ पार्टी है, उसमें हम चिराग जी के साथ आ गए हैं, यही कारण है। अब विजय जी, जब पार्टी टूट गई थी, चिराग अकेला था, परिवार टूट गया था, उस समय आप जो है पशुपति पारस के गुट में थे, हम गुट क्या अनपरी की आप चिराग गुट में शामिल हुए? अब हम बता रहे हैं कि हम उनके गुट में कभी नहीं थे, हमको बड़े साहब रामविलास जी ही ने बनाए हुए थे दलित सेना के जिला अध्यक्ष। तो हम पार्टी में नहीं गए थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में का हम एक मेंबर सदस्य नहीं है, कोई भी आपको नहीं कह सकता है कि हम उनका सदस्य रहे हैं। हम दलित सेना में रहे हैं और दलित सेना में दलित सेना का टूट नहीं हुआ था, वो लोक जनशक्ति पार्टी की टूट हुई थी। हम दलित सेना में पहले भी थे, कल भी थे, लेकिन कल से हम नहीं हैं, कल से हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में चले गए हैं। चूंकि दलितों का काम हो, शोषितों का काम हो, गरीबों का काम हो, पार्टी का काम हो, नहीं पार्टी का काम हो, हर एक जगह चिराग जी पहुंचते हैं, तो भाई उनके साथ रहने में ही अच्छा लगता है, हम लोग जुआ हैं। तो की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगह न्यूज 24।